नई सरकार चाहिए, नई सरकार चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। ये लोग इंसान के रूप में भेड़िए हैं, चुनाव आते हैं सोचे इंसान बन गया, हरा घास लगा लेते हैं, मैं शाकाहारी हो गया, लेकिन इनसे गया गुजरा कोई नहीं है। तो कह रहे इंसान के रूप में भेड़िया नेता, हाँ वोट मांगने अब आएंगे सब, हाँ वोट मांगने आएंगे, हरी घास लगा के मैं तो सन्यासी हो गया, अब फिर चले जाते मैं ये करूंगा वो करूंगा और वो कुछ नहीं रहा है। 18,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, और आज बिहार से आया है, गाड़ी से आता जाता है, उसकी पूरी खर्ची, और यहाँ बता दो 5,000-8,000 की 18,000 तो मिलता होगा ना फैक्ट्री? नहीं मिलता भाई, कहाँ मिलता है, कोई बता दे, मैं सैलरी शीट दिखा देता हूँ। उन्हें का फैक्ट्री देता है कि नहीं? कुछ नहीं देता भाई, और शोषण करते हैं, काम लेते हैं डबल और काम देते हैं सिंगल पैसा। मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा लगता है? इसलिए कि गरीब को चाहिए तनखा, दिहाड़ी, दिहाड़ी बढ़ नहीं पा रहा है उनको, वो गरीब को 5 किलो गेहूं चावल दे दिया उसी से देश चलता है क्या? गरीब तो मिलता होगा, तो राशन से क्या होगा? 5 किलो में 15 परिवार है, 5 किलो दे दिया उसी से सरकार चलेगी? अरे कितना भी पढ़ लीजिए, पैसा लाजिम चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करिएगा ना, पहले पैसे का सवाल करता है कि भाई पैसा है तो नौकरी मिलेगा, पैसा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं और यहाँ हरियाणा में चुनाव है, ये बॉर्डर का इलाका कहलाता है, उद्योग विहार है, तमाम जो लोग हैं जो फैक्ट्री से काम करके आते हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। ये चुनाव जो है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है जो पूर्व CM रह चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से चेहरा है, दूसरी तरफ नायब सैनी है, BJP की तरफ से चेहरा है। आपने देखा लोकसभा चुनाव जब हुए, लोकसभा चुनाव में BJP की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं रही, BJP का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट जैसी सीट BJP हार जाती है। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव जितने भी राज्यों में है, ये विधानसभा चुनाव BJP की दिशा और BJP की दशा दोनों तय करने वाली है। तो इस बार हरियाणा में चुनाव है और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, ये तमाम राज्य के चुनाव BJP की दिशा और दशा तय करनी है। हमने ग्राउंड में उतरे हुए, ग्राउंड में आपको ग्राउंड जीरो से आम जनता से बातचीत करके बताएंगे। ये वो आम जनता है जो फैक्ट्री में काम करती है, लेबर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे बात करके बताएंगे कि आखिर जमीनी माहौल क्या है, जमीनी यहाँ का मुद्दा क्या है। हमने फिर आपको एक बार बता दे रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आप BJP के लिए जो है राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, मोदी जी ठीक कर रहे हैं सब कुछ, कुछ बदलाव करेंगे? अभी तो ठीक ही कर रहे हैं, आगे तो सोचें कि बदलाव करेंगे तो करेंगे, तब ना करेंगे बदलाव तभी तो हम लोग विश्वास करेंगे, इससे क्या मालूम। कुछ समस्या का समाधान हुआ, जैसे लोग कह रहे 12,000 मिलता है यहाँ फैक्ट्री में, फैक्ट्री में 12,000 कहाँ मिलता है, ठीक है सैलरी? हमारा तो 12,000 नहीं चल रही है। कितना है? हम तो मैं चेक करूँ, ये 11,600 है। 11,600, हाँ जो रियल है, जो है इसमें घर चल जा रहा है सब? घर नहीं चल जा रहा है तो क्या करें, यही तो प्रॉब्लम है। और कोई साधन रोजगार का नहीं है? रोजगार तो कुछ है ही नहीं, यही तो मजबूरी घुट घुट कर। तो मोदी जी बहुत किए थे, किए थे, लेकिन अभी तो हम लोग का यही कहना है कि हर एक मजदूर को कम से कम 15,000 सैलरी होना चाहिए। 15,000? हाँ 15,000 सैलरी होना चाहिए, तभी तो कोई उपाय हो सकता है। ये 11,000, 10,000, 12,000 में क्या होगा, घर चल जाएगा कम से कम, एक करें 15,000 में चल जाएगा मजदूर को, 15,000 होनी चाहिए। यहाँ पे तो 8-10,000 दे रहा है, 12,000 नहीं। एक मिनट इनसे पूछते हैं, दे रहा है अच्छे रहने वाले हो? मैं बिहार का हूँ। बिहार के रहने, आपका रूम रेंट कितना है, रूम रेंट, खाना रेंट कितना है, घर पे क्या भेजेगा, आपके बाल बच्चे उसका पढ़ाई कौन देखेगा, ये 15,000 में आपका हो जाएगा? 20,000 रुपया सैलरी के समथिंग होना चाहिए, 20,000 रुपया प्राइवेट सेक्टर में। तो परेशानी तो है, परेशानी तो है। गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई नहीं किया आप लोग पढ़े? ये आपने इधर ही दुख बिहार में आते हो? अरे कितना भी पढ़ लीजिए, पैसा लाजिम चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई करिएगा ना, पहले पैसे का सवाल करता है कि भाई पैसा है तो नौकरी मिलेगा, पैसा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी हाँ कितना, मोदी राज में ये है पैसा है नौकरी लगे? अरे मोदी राज में तो पढ़ लिख के लोग पकौड़ा बेचता है, नहीं समझे ये बोलता है यहाँ पकौड़ा बेच रहा है? अरे जाना वो खुद ही बोलते हैं, जाहिल लोग सब बोलते क्या है कि पढ़ लिख के पकौड़ा बेच भी एक ही और एक तरह का रोजगार, ये रोजगार है पढ़ लिख के, मतलब डिप्लोमा करेंगे तो हम वो करेंगे का महाराज, क्या बोलते? पढ़े लिखे हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े लिखे हैं सर। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट वो भी बेचारे हाउस पिकिंग में 11,800 की नौकरी कर रहे हैं। इधर आइए, हाँ मेरे साथ कर रहे हैं वो, कौन मेरे साथ जो डिपार्टमेंट हाउस पिकिंग का 11,800 में ग्रेजुएट है वो, एक महीना कर रहे हैं अभी, समझ गए स्थिति नहीं सुधरी है बिल्कुल नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में देखा पेपर लीक हो रहा है, लीक हो रहा है वो, कर अभी चल रहा है उसका। महंगाई से आप लोग को फर्क पड़ता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत रोजगार है ये नहीं है दिल्ली के अंदर में, रोजगार नहीं है? नहीं है।
रोजगार की समस्या है, समस्या महंगाई से दिक्कत है, महंगाई से बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है महंगाई से? अरे हर चीज बढ़ गया, सैलरी बढ़ा कि नहीं? अभी सैलरी नहीं बढ़ा। मोदी जी तीसरी बार आ गए, 500 बार आएंगे और वो सैलरी वाली नहीं बढ़ेगा, 500 बार में आएंगे। मोदी जी तीसरी बार नहीं आएंगे? आ गए हैं, फिर भी आएंगे। सैलरी नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा सैलरी। अब वो जानते हो क्यों नहीं बढ़ेगा? सैलरी कहाँ बढ़ रहा है मार्केट में? जनता का दिन तो अच्छा आना चाहिए ना। अच्छे दिन तो अच्छा दिन तो है, लोग कमा रहा है, खा रहा है, अच्छे दिन तो है। अच्छा दिन आया? अच्छा दिन कौन सा आया? अच्छा दिन नहीं आया, नहीं आया, उससे भी बेकार हो रहा। अरे अब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज चलेंगे, अब यहाँ हवाई चप्पल देखा नहीं मिल रहा, अभी तो हवाई चप्पल भी नहीं मिल रहा। महंगाई है, महंगाई महंगाई तो बहुत है। घर चल रहा है? घर चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है? कैसे चल रहा है, वैसे ही। महंगाई है क्या? बिना महंगाई बिना इससे ज्यादा महंगाई क्या होगा बताइए, इससे ज्यादा महंगाई क्या होगा? बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई है, अब 500 सिलेंडर 1200, अब हुआ है 1000 रुपया। और ये जो तेल, ये सही कह रहे हैं, सिलेंडर महंगा है? महंगा तो है ही जी, बिल्कुल महंगाई। अब देश के लिए जो रोजमर्रे की चीज होती है उसको सस्ता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या किलो का सिलेंडर आता है? 500 के? नहीं नहीं 500 का नहीं, सिलेंडर जो बड़ा आता है तो क्या किलो रहता है उसमें? अब वो जन करवाइए तो यहाँ महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, महंगा नहीं है तो क्या सस्ता है? महंगा है, महंगा नहीं है। कितना सैलरी मिल रहा है? सैलरी 1000 रुपया मिल रहा है, 10000। खर्च चल रहा है ठीक से? कहाँ चल रहा है, नहीं तो मोदी जी जो है वो तीसरी बार आए तो अच्छा नहीं कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं से आपको नहीं गुजार रहा है? किसी ने कुछ नहीं कर रहा है गरीब के, कुछ नहीं कर रहा। एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी जी जो एक खट्टर जी बोले थे कि हरियाणा में 18000 की सैलरी होगी न्यूनतम 8 घंटे की, पर ये खाली बकवास हुआ और कुछ नहीं हुआ, और ये गरीबों का शोषण हो रहा है, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, खट्टर जी तक यहाँ पहुँचे की बार मोदी सरकार आएगी? देखिए आएगा, अबरी अबरी नहीं आएंगे, ये लिए तब का आएगा, देख ही लिए ना मोदी सरकार 400 पार हो गए, अब तो हो ही गए हैं 5 साल के लिए, पर अगले बार सोचना पड़ेगा। हरियाणा में आपकी बार मोदी सरकार है कि नहीं? मोदी सरकार नहीं है, नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार आप लोग लाओगे तो आ जाएगी मोदी नहीं सरकार? नहीं आएगी, नहीं आएगी, मजदूर नहीं। 18000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, और आज बिहार से आया है, गाड़ी से आता जाता है, उसकी पूरी खर्ची, और यहाँ बता दो 5000 8000 की? 18000 तो मिलता होगा ना फैक्ट्री? नहीं मिलता भाई, कहाँ मिलता है, कोई बता दे, मैं सैलरी शीट दिखा दे। रहने उने का फैक्ट्री देता है कि नहीं? कुछ नहीं देता भाई, और शोषण करते हैं, काम लेते हैं डबल और काम देते हैं सिंगल पैसा, वो कुछ नहीं करते। 6 दिन के वादे सब झूठे हैं, बिल्कुल। मैं खट्टर जी से कहता हूँ, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप नायब सैनी ठीक किए हैं? क्या जी? नायब सैनी ठीक किया मुख्यमंत्री यहाँ के? यहाँ मुख्यमंत्री कुछ नहीं किए हैं, हम भी हम उनके लिए अभी जो सैनी जी बोल रहे हैं, अब भी जो रीचा गौरव से बस भर भर के लिए उनके लिए गया था, पर वो सोचे नहीं, यहाँ बड़े बड़े उद्योग से मिल के ले गए वहाँ पे सबको, और अपनी बहवाई ठोके, और ये नहीं कह पाए कि हमारे देश में हमारे स्टेट में ये प्रोग्राम है जो वर्कर का 18000 न्यूनतम वेतन होनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आज रोजमर्रे के दिन है, 200 रुपये तेल है, सरसों तेल 60 रुपये, प्याज है 100 रुपये, दाल है वो भी, बताइए ऐसा होता है? मैं खट्टर जी से एक कह रहा हूँ, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। खट्टर जी मुख्यमंत्री थोड़ी है? नहीं नहीं, वो भी वो मिले हुए हैं, अब हम जानते हैं केंद्र में आ गए हैं, हम राजनीतिक से कम फायदा, मगर खट्टर जी नहीं है, मगर उन्हीं के उद्देश्य से वो चल रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कहते हैं हरियाणा सरकार को कि कोई भी आदमी हो, मजदूर हो, मोदी सरकार से एक फायदा होनी चाहिए, कोई एक फायदा बताइए मोदी सरकार। पहले फायदा था, आपका सब घाटा कर रहा है, बेरोजगार सरकार से कोई फायदा नहीं। मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। क्या बोले, फिर से बोलिए। मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता है इसलिए कि गरीब को चाहिए तनख्वाह दिहाड़ी, दिहाड़ी बढ़ नहीं पा रहा है उनको, वो गरीब को 5 किलो गेहूं चावल दे दिया उसी से देश चलता है क्या? गरीब राशन तो मिलता होगा आपको, तो राशन से क्या होगा? 5 किलो में 15 परिवार है, 5 किलो दे दिया उसी से सरकार चलेगी? मोदी जो होता है देश में, मोदी अपने जगह है, वर्कर अपने जगह, इनको चाहिए सैलरी ज्यादा, ये क्या होगा 10000 में कुछ होने वाला नहीं है। हरियाणा में अब की बार मोदी सरकार या नहीं सरकार? नई सरकार चाहिए, नई सरकार चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। नायब सैनी कैसे मुख्यमंत्री है?
इनसे तो बात विचार हुई नहीं है, अभी 5 महीना हुआ है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है वर्कर के लिए। 18,000 जो न्यूनतम सैलरी देना था फैक्ट्री वालों को, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ फेक है, वो सिर्फ फेक है। हाँ, ये लोग इंसान के रूप में भेड़िए हैं, चुनाव आते हैं सोचे इंसान बन गया, हरा घास लगा लेते हैं, मैं शाकाहारी हो गया, लेकिन इनसे गया गुजरा कोई नहीं है। तो कह रहे इंसान के रूप में भेड़िया नेता, नेता को। हाँ, वोट मांगने अब आएंगे सब? हाँ, वोट मांगने आएंगे, हरी घास लगा के मैं तो सन्यासी हो गया, अब फिर चले जाते मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कुछ नहीं रहा है। धर्म और जात पे बात वोट ले लेते हैं और फिर करते किसी का? धर्म जात की बात नेता करे, हम वर्कर हैं, हम दिहाड़ी की बात करेंगे। ये 5 किलो गेहूं चावल दे दिए हैं, मोदी सरकार को वोट दे दो, मोदी सरकार अमीरों की सरकार है, धन्यवाद। चलिए जो आप बिहार से लिए ट्रेन जो दिया है, 10 पहले 10 रिजर्वेशन रहता था, 10 बोगी अब 6 बोगी कर दिया है, ऐसी बढ़ा मानते हैं कि अमीरों की सरकार है बीजेपी। हाँ, अमीरों की सरकार है, गरीब के लिए बीजेपी है कि है ही नहीं? नहीं नहीं, कैसे जाएगा? 350 रुपया मिलते हैं जी, बस। क्या दिक्कत है बताइए? सैलरी देखिए, महंगाई बढ़ गया, 11,000 रुपये मिलते हैं सैलरी। 18,000 न्यूनतम सैलरी का वादा किए थे? नहीं, क्या वादा किए थे? नहीं, 11,000 रुपये मिलते हैं बस। घर तो नहीं चल पा रहा होगा? घर क्या चलेगा, घर क्या चलेंगे? 6 दिन अच्छे दिन जो होता था मोदी जी का, 6 दिन अच्छे नहीं मिला, वो कुछ नहीं बढ़ाते हैं, खाली सही खाली दिखावा कर रहा है। क्या कह रहे हैं बता? आपके लिए अच्छे दिन आया है, हमारे लिए तो नहीं आया अभी तक। आप लोग के लिए अच्छे दिन ना, कभी नहीं आया सर जी। अच्छे दिन कब आएगा? ये मोदी ना में आपकी बार मोदी सरकार आएगा कि नहीं आएगा? मोदी आएगा तो देश बर्बाद ही होगा, अच्छा नहीं। क्यों कह रहे हैं? अरे क्यों कह रहे हैं? विदेश में मोदी जी हैं अभी। अरे 14 साल में उसने क्या किया है जो पूछता है कि 17 साल में क्या किए हो? वो 14 साल में क्या किया? 2014 से लोग देखिए सब सलाम करते हैं विदेश में मोदी जी को। वो चमचे लोग होगा जो सलाम करते होंगे, हम लोग नहीं करते हैं, हम तो विरोध है। और चमचे ही है फिर विदेश में? पोलैंड में है मोदी जी। अच्छा, पोलैंड में? हाँ, यही है, ये 5 साल में घूम ले, उसके बाद घूमने का मौका नहीं मिलेगा उसको। मोदी जी नहीं घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? आज तो रिटायर हो गया मोदी जी। हो गए? अरे ये कह रहे 75 साल पूरे गया, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस पहले भी था तो इतना महंगाई नहीं था, महंगाई नहीं था, महंगाई है अभी, जो महंगाई है उससे पहले कम था, लोग एक काम आता था। कांग्रेस में थोड़ा घर उड़ चल रहा था, ठीक ठाक? ठीक ठाक चल रहा था घर, अभी 11,000 में कौन पढ़ा लिखा पाएगा बच्चे को? क्या बताइए, अब बहुत महंगाई हो गया। कांग्रेस में ठीक चल रहा था? कांग्रेस सही था सर, अभी अभी जो महंगाई है ना, बहुत ज्यादा महंगाई, महंगाई पे कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। हरियाणा में आपकी बार किसकी सरकार? सर ये तो हरियाणा, हम तो यूपी स्टेट से अलग से हैं। नायब सैनी आप लोग का ध्यान नहीं रख रहा है फैक्ट्री में 18,000 न्यूनतम सैलरी मिले? कौन सा ध्यान रख रहे? कोई नहीं, न्यूनतम सैलरी कुछ नहीं, नहीं 18,000 महंगाई उंगाई है यार, सब सैलरी में हो जा रहा है। नहीं, सैलरी से तो चलता भी नहीं है, नहीं चल रहा है। बिल्कुल, वो कैसे दे, बहुत खींच खाच के वो भी नहीं चल, घर परिवार के सारे लोग काम करे तो भी नहीं चल रहा है। न्यूनतम 18,000 मिलता है, कितना मिलता है आपको? 11,000 में क्या होने वाला है? गैस का बाल्टा खरीद पा रही है, महंगा तो नहीं है? बल्टा नहीं है, महंगा महंगा है। हाँ, सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, कहाँ सिलेंडर? कांग्रेस के जमाने में 400-500 का था, अब 800 किए हैं मोदी जी। महंगा हो गया तो महंगा है ही है, गरीबी में तो एकदम हम लोगों का हालत खराब कर। मोदी जी को जो तीसरी बार बनाए हैं पीएम, तो कुछ सोच के बनाए होंगे? तो पीएम हमारे ही एक बनाने से, दिल्ली सरकार बना रहा, हम तो हरियाणा वाले हैं। हरियाणा वाले? हाँ। हरियाणा में अब मोदी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? अबे एक्चुअली कैसे कंफर्म कर दे हरियाणा में मोदी सरकार आ ही जाएगा, पब्लिक कितना है वो तो वोट के बाद आपको पता चलेगा। पब्लिक के बाद? हाँ। अच्छा, तो आप मतलब मोदी जी कुछ नहीं किया आपके लिए? अरे मोदी जी क्या के महंगाई कम करे, गरीबी आदमी खा। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तो आपके है ना बीजेपी के यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री है तो हम तो गरीबी कम कराने के लिए बोलेंगे भाई, गरीबी महंगाई मेन मसला आप लोग का है। महंगाई, महंगाई से बहुत सब्जी आग लगी पड़ी है, हम लोग सब्जी कोई भी 100 और 80 से कम नहीं है, क्या कोई खरीद के खाएगा? अच्छे दिन नहीं आए आपके? और क्या, अच्छे दिन है, अच्छे दिन चाहिए ना सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम लोग थे और इनका कहना था कि एक वादा था
कि 18,000 जो न्यूनतम सैलरी है वो फैक्ट्री में मिलना चाहिए, वो वादा पूरा नहीं हुआ। हमने आपको कहा था कि आने वाले समय में जो चुनाव है ये बीजेपी की आज आगे आने वाली राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ नतीजे यहाँ निकल के आते हैं। हालांकि यहाँ पे कई लोग जो है, कुछ लोग हरियाणा के भी थे, कुछ लोग जो है बाहर प्रदेश के हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी समस्याएँ हैं, यहाँ उनकी जो सैलरी मिलती है 8,000, 10,000, 12,000, उनका घर इससे नहीं चल पा रहा। तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस ग्राउंड रिपोर्ट में केंद्र में बीजेपी जो मोदी सरकार तीसरी बार आई है उसको लेकर जनता ने क्या कहा आप वो भी समझ गए, और हरियाणा को लेकर के इनके मन में क्या है आपने वो भी समझा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।